कहाँ है वो? सो व्हाट्स द बिग इमरजेंसी? अरे वो मैं कुछ लिख रहा था कंप्यूटर पे, लगता है कि मॉडम में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अरे या बट वाई डू कॉल मी? मैं इलेक्ट्रिशियन लगता हूँ। सारा दिन तुम कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, मैंने सोचा कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा। या आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। आई विल टेल माय सेकी कि आईटी वाले भेजते हैं। आजकल के जमाने में एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए क्या इस कदर बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी? अपनी तरकीब है ना, किसी और पे इस्तेमाल करना। इन तरकीबों के अलावा मेरे पास और कौन सा रास्ता बचा है कि मैं अपने बेटे के दर्शन कर पाऊं? मैं पूरे दिन बैठ के तुम्हारे ताने सुन सकता हूँ, बट आई हैव वर्क टू डू। लेट्स टॉक अबाउट लेट ऑल राइट? लेटर हफ्तों तक बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, एक मॉडम की क्या बात कर अरे रही? तो मैंने किसने तो बोला था एमटीएल का मॉडेम लगाने को? मैं सालों से बोल रहा हूँ एयरटेल की सिम देखो, 10 Mbps स्पीड है, पैसे थोड़े ज्यादा है तो क्या हुआ? लेकिन कंजूसी करना तो फर्ज बनता है तुम्हारा। जस्ट लुक एट दिस, कैसे चले गए? अरे कभी कुछ तो नोटिस किया करो। हाँ ठीक है, ये ड्रामा बंद करो। अब तुम घर आ गए, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। ड्रामा तो क्या फायदा बैठने का, यहां पर भी बैठ के ड्रामा ही करूंगा ना मैं। अरे हजार बार बोल चुका हूं ऑफिस में फोन मत किया करो, मैं अपना काम छोड़ के आता हूं। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं यहां पे बैठे हुए। यू नो आई हैव वर्क टू डू, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। देव देव देव, मिस्टर मनीष कॉल्ड एंड ही वांटेड यू टू गो नो थ्रू। यस कॉल्स, नो इंटरप्शन टुडे, अंडरस्टैंड? नॉट नाउ। सर, दिस अ कॉल फॉर यू ऑन 911। तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने बोला नो इंटरप्शंस? सर, एक्चुअली इट्स अबाउट योर फादर। हेलो, हाँ सॉरी, या आई बी देयर। देव, कुछ बातें बोली नहीं जा सकती, शायद बोली भी जा सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बोल सकता। आज तक मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं ये सब, तो सोचा कि मैं अपनी बातें इस खत द्वारा तुम्हें लिख दूँ।
हम कठपुतलियां नहीं हैं, घड़ी के कांटों के इशारों पर हम गिरते नाचते मगर हैं। कैदी हैं हम खुद ही के पिंजरों में, जीवंत ये शहर सुनसान हमारे घर हैं। पिताजी के क्रोध का ऐसा असर था कि अंधेरे में था मैं, उजाले का डर था। अब समझ में आया कि फिजूल ये सफर था, क्योंकि जीते जी मरते मेरा समय ही निकल गया। खुद को ठुकराया फिर तुमको पाया, जो मैं नहीं था वो खुद को बनाया। लेकिन इस अंधेरे में फिर उजाला आया, क्योंकि तुम में मुझे अपना कल मिल गया। इस कल का भय मुझ पे फिर ऐसा छाया कि तुम्हारी सच्चाई को मैंने ठुकराया। तब तक दबाया तब तक बुझाया, जब तक तुम्हारा दिया खुद बुझ गया। आधी अधूरी सी है जिंदगानी, आधी अधूरी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर चाहो तो तुम अपनी बाहों में खुद को अपना के मन को समझाओ कि दिए की लौ बुझ ही क्यों ना गई हो। आग उसमें अब भी बाकी है, मगर तुम्हारा ही था ये और हमेशा रहेगा जो आधा अधूरा तुम्हारा सफर है।